Hi viewers, welcome to the video of number system 5. Is video mein I will be explaining up the concept of value putting. Let us move on to the question and understand what value putting means. If you read the first question, you can see that if n is a natural number, then n cube minus n is always divisible by. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो वैल्यू बता दी गई है वो ये बता दी गई है, जो n है वो नेचुरल नंबर है आपका. अब नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स आर योर नेचुरल नंबर. अब उसने क्या कहा है कि जो नेचुरल नंबर है n, और बताइए कि n क्यूब माइनस n जो है वो किससे डिविजिबल रहेगा हर बार. तो इन टाइप के क्वेश्चंस में वी ऑलवेज रेकमेंड कि आप वैल्यू पुट कर लीजिए. अब वैल्यू पुट करते हुए कीप इट इन माइंड दैट डोंट पुट सम वेरी टफ वैल्यू जो आपको खुद सॉल्व करने में इशू आ जाए. ट्राई टू पुट अ बिगर स्मॉलर वैल्यू, दैट इज वैल्यू बहुत बड़ी भी ना हो और वैल्यू बहुत छोटी भी ना हो. लेट अस से मैं रैंडमली पुट कर देता हूं एन इक्वल टू 5. सो बेसिकली 5 क्यूब माइनस 5 वुड बी 125 माइनस 5, सो द वैल्यू इज 120. अब 120 जो है, यू कैन सी दैट इट इज डिविजिबल बाय 6, इट इज डिविजिबल बाय 12. क्या 120 डिविजिबल होता है 18 से? टेक अ सेकेंड एंड जस्ट ट्राई टू इवेल्युएट वेदर 120 इज डिविजिबल बाय 18 और नॉट. द आंसर वुड बी नो, 120 इज नॉट डिविजिबल बाय 18. हेंस आप देख सकते हैं 120 6 और 12 दोनों से डिविजिबल है. हेंस माय आंसर शुड बी व्हाट? बी ऑप्शन 6 एंड 12. अगर आपको अभी भी डाउट है तो यू कैन चेंज द नंबर एंड पुट एन इक्वल टू 6. सो दिस वुड गिव अस 6 क्यूब माइनस 6, दैट इज 216 माइनस 6. सो द वैल्यू बिकम्स व्हाट? 210. अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके आंसर में कुछ वेरिएशन आ गया. जो आपकी वैल्यू है 6 क्यूब माइनस 6, क्या 210, क्या 210 जो है वो डिविजिबल है 6 से? यस इट इज डिविजिबल, 6 × 35 इज 210. क्या 210 डिविजिबल है 12 से? द आंसर इज नो. तो इसका मतलब ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल है? 6 से. तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप एक या दो वैल्यूज पुट करके नंबर बना के चेक कर लीजिए कि कंडीशन कोई वायलेट तो नहीं हो रही, बिकॉज एट टाइम्स द क्वेश्चन कैन बी रियली ट्रिकी एंड वो शायद पहले नंबर में कुछ कंडीशन दे और सेकंड पार्ट में कुछ कंडीशन दे. सो मेक इट अ हैबिट कि आप दो छोटी छोटी वैल्यूज पुट करके आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए. काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a. अब इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर्टी बेस है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं नंबर सिस्टम के ही लेक्चर में, जहां पे मैंने रिमाइंडर्स की बात करी थी. सो आई नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब इज गिवन बाय a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड a क्यूब प्लस b क्यूब इज गिवन बाय a प्लस बी इन टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला a माइनस बी इन टू ए प्लस बी. तो यहां पे उसने क्या बोल रखा है कि x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a व्हेन. अब आप देख सकते हैं जो a क्यूब माइनस b क्यूब है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a माइनस b and a square minus b square is also divisible by a minus b. तो whether n is even or odd, वो दोनों ही cases में divisible है a minus b से. Hence, मेरा answer क्या बनेगा आपके पास? When n is a natural number, क्योंकि आप कुछ मर्जी put कर दीजिए n की जगह, तो x की power n minus a की power n will always be divisible by x minus a. Moving on to the next question. x की पावर n माइनस a की पावर n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस a. अब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होता है a माइनस b से और a प्लस b से. तो यहीं से हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई कि अगर n इवन होगा देन ओनली इट विल बी डिविजिबल बाय x प्लस a. हेंस माय आंसर बिकम्स व्हाट? बी ऑप्शन, दैट इज n इज अ इवन नेचुरल नंबर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says that if a and b are odd numbers, अब a और b का nature क्या है? Odd. But यहाँ पे odd positive या negative कुछ नहीं कह रखा. Then which of the following will be even?
हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इवन होगा. सो लेट अस ट्राई विद अ सिंपल नंबर्स. ए को हम 1 ले लेते हैं और बी को हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, ऑड. तो ऑप्शन नंबर वन वुड बी 1 + 3, दैट इज 4, तो दैट इज इवन. यस. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर टू, 1 + 3 + 1, दैट वुड बी 5, तो ये आंसर नहीं है. ऑप्शन नंबर सी, 1 × 3, दैट वुड बी 3, विच इज नॉट अगेन इवन. ऑप्शन नंबर डी, 1 × 3 विल बी 3 एंड 3 + 2 विल बी 5, सो अगेन दिस इज नॉट द आंसर. तो आप देख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में ही मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा आया है जो मुझे इवन दे रहा है, विच मैचेस द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. हेंस ए ऑप्शन गिव्स अस द आंसर एंड द आंसर इज A+B. Kindly pause the video, note down the solution and then move on to the next question. अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने 4 के 4 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, दैट इज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n या a एंड b. बस ध्यान रखना है वैल्यू पुट करते हुए कि वैल्यू का नेचर क्या है. इज इट नेचुरल नंबर, इज इट पॉजिटिव, इज इट इवन, इज इट ऑड, इज इट नेगेटिव. जिस भी टाइप का नंबर हो, उसके छोटे से नंबर्स जो बहुत बड़े भी ना हो और बहुत छोटे भी ना हो, वैसे नंबर्स पुट करके आप आंसर निकालिए इसका. यू विल गेट द पैटर्न. एक या दो वैल्यूज पुट करके आप उसको क्रॉस चेक करिए, सो दैट जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही हो. काइंडली कीप लाइकिंग अस एंड शेयरिंग आर वीडियोज. थैंक यू.